डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पैटर्न नंबर वन है, क्या है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, यानी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन सा नंबर ट्रायंगुलर नंबर है, सबसे पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए क्या है कि nth ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय n इज टू n प्लस 1 बाय 2। इसी फॉर्मूला के सहारे हम लोग ट्रायंगुलर नंबर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या करेंगे, n का मान अगर 1 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 2, यानी 1 इंटू 2 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो नंबर क्या हो जाएगा, 1। फिर n इक्वल टू अगर 2 है तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा क्या, 3। n इक्वल टू 3 जब लेते हैं तब 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 बाय 2, 2 से कैंसिल कर दो यानी 6। ठीक है, n इक्वल टू 4, फिर n का मान 4 हो जाएगा तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 इंटू 5 बाय 2, 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए तब क्या हो जाएगा, 10। तो इस ढंग से हम लोग ट्राइंगुलर नंबर को निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगुलर नंबर क्या हो गया, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ट्राइंगुलर नंबर्स आर, क्या क्या है, 1, 3, 6, 10। तो कैसे ट्राइंगुलर है, हम लोग जानते हैं कि ये 1 है तो ये एक ट्राइंगुलर नंबर है। फिर 3 मतलब इधर 2 ऊपर 1, ये भी एक ट्राइंगुलर नंबर है। ठीक है, अब बचा है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी ट्रायंगुलर नंबर है। फिर 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर, यानी 1, 3, 6, 10। अब पैटर्न में क्या लिख रहा है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, यानी दो लगातार नंबर का अगर हम लोग सम निकलते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम होगा, वो स्क्वायर नंबर होगा। कैसे, जैसे 1 प्लस 3 दो कंसेक्यूटिव नंबर है इक्वल टू हो जाएगा 4, तो 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर नंबर। फिर अगर 3 के साथ 6 का करते हैं, 3 प्लस 6 यानी 9, यानी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है। 6 प्लस 10 तब क्या हो जाएगा, 16, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू 20, 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर, .1 इस तरह चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए कि 1, 3, 6, 10, इसके बाद क्या आएगा, 15 आएगा। कैसे, जब n का मान 5 ले लीजिएगा तब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 बाय 2, 2 से 6 को कैंसिल करें, 3, 5, 3 जा 15। एन का मान अगर 6 लेते हैं तो 6 इंटू 6 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 7 बाय 2, इसको कैंसिल कर दीजिए, 3, 3, 7 जा 21, यानी इसको आगे हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 21, .1, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालना है, आप लोग इसको देख लीजिए कि n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का फॉर्मूला से हम लोग ट्रायंगुलर नंबर निकालेंगे। और जब ट्रायंगुलर नंबर निकल जाएगा और दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर का सम जो होगा, ऐड जो करेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर नंबर निकलेगा। ठीक है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि स्क्वायर नंबर कैसे हो जाएगा, ये 1 है
इसके साथ हमको 3 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, पहले हमारा क्या था, ये ट्रायंगुलर नंबर था, इसको थोड़ा सा ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि देखने में सुविधा हो, यह है ये है, तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। यानी एक के साथ अगर 3 को हम ऐड कर देते हैं तो ये एक स्क्वायर नंबर आ जाता है। ठीक है, फिर 1, 2, 3 इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, कितना ऐड करते हैं, 6 अगर ऐड कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हो गया पैटर्न ऑन। पैटर्न नंबर 1 में क्या है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग पैटर्न 2 को देखते हैं। अब हम लोग पैटर्न 2 पर बात करेंगे कि पैटर्न 2 है क्या है कि देयर आर 2 एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एन स्क्वायर एंड एन प्लस 1 स्क्वायर। यानी क्या है कि 2 लगातार स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, वो 2n के हिसाब से होगा। आप लोग देख सकते हैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर मतलब पहले हम लोग 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। इतना तक ही देखिए, तो क्या है कि 2 लगातार अगर स्क्वायर नंबर है यानी 1 है और 2 है तो इसके बीच में कितना नंबर है जो नॉन परफेक्ट है, तो 1 और 4 के बीच में क्या है, 1, 2, 3, 4, इसके और इसके बीच में कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर है तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला 2n के सहारे हम लोग लिख सकते हैं, 2n से ही निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे हम लोग 2n के फॉर्मूला के सहारे, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 यानी कितना नंबर हो जाएगा, 12, तो 12 नंबर है कि नहीं एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 6 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 36, और 7 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 49, तो 36 और 49 के बीच में क्या है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और हो गया 49। तो 49 और 36 के बीच में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 आ गया, तो 12 नंबर जो है ये सारे नंबर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये पैटर्न 2 है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को कह देगा कि मान लीजिए कर देगा क्वेश्चन कि हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा इसके बीच में, तो सीधे तौर पर हम लोग 2n फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 2 × 100 यानी 200 नंबर जो है वो क्या है, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न 2। अब हम लोग पैटर्न 3 को देखेंगे। पैटर्न नंबर थ्री क्या है कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। यानी ऑड नंबर जो है वो फर्स्ट ऑड नंबर का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो वो n स्क्वायर फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ हो गया आपका n, ये हो गया n स्क्वायर, और यहाँ आपका हो गया सम। ठीक है, क्या है, n इक्वल टू आपका हो गया मान लीजिए 1, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो सम क्या हो जाएगा, 1 के साथ 1 ही हो जाएगा। फिर n का मान अगर 2 मान लिया जाए, n स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा, तो ये सम क्या हो जाएगा, 1 + 3। अब 3 ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वल टू 1 + 3 + 5 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी 1 + 3 + 5 + 7
ठीक है। अब देखिए यहाँ एन इक्वल टू फाइव, तो फाइव स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। अब जोड़ के भी देख सकते हैं, 9 7 कितना हो गया, 16 16 25 21 21 3 24 24 1 25, ये 25 आ गया। इसका भी ऐड कर लीजिए, ये भी 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 है, ये है। तो यहाँ एक चीज़ देखना है कि एन स्क्वायर जो है, यानी एन स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, जब ये नंबर 5 है तो 5 ऑड नंबर का सम होगा, वो फर्स्ट 5 ऑड नंबर होगा। यानी आप एक को हटा दीजिएगा तो नहीं होगा, एक को लेके ही करना है। तो 5 देखिए 1 2 3 4 5, जब पांचों को जोड़ दिए लगातार, तब क्या हो गया, 25 आ गया। ये लगातार ऑड नंबर का ऐड है फर्स्ट। तो वैसे ये भी एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि 1 1 के बाद 1 + 3 1 3 5, तब क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया 1 3 5 7, 4 स्क्वायर हो गया 1 3 5 7 9, 5 स्क्वायर हो गया 1 3 5 7 9 11, तब क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आज के वीडियो में हम लोग क्या किए, 3 पैटर्न को हम लोग देखे जो इंटरेस्टिंग पैटर्न है, किसका, स्क्वायर नंबर्स का। तो अगला वीडियो में भी हम लोग कुछ और पैटर्न्स को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, ताकि आप लोग को सुविधा हो, स्क्वायर स्क्वायर नंबर में जो समझ आप लोग को बनाना है वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।